नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में आप सबका स्वागत है। थोड़ा अर्जेंसी में वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या साहब कि आज कोई पेशेंट आया मेरे पास, उनको महीना पहले पैरालिसिस का अटैक हुआ था साहब। तो साहब आप सबसे निवेदन है, आपके घर परिवार अड़ोस पड़ोस यारी दोस्ती रिश्तेदारी जहाँ तक आपको पता हो, कोई पैरालिसिस का केस हो तो साहब देखो डॉक्टर की मदद चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट की मदद चाहिए, वो आपकी चॉइस है। पर जब तक डॉक्टर मदद कर रहा है, कोशिश करो साहब आप दुनिया में कहीं बैठे हो मेरे को कांटेक्ट करो, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। और जितनी जल्दी केस मेरे हाथ में आएगा उतनी बेहतर मैं आपकी मदद कर सकूँगा। तो इससे ज़्यादा पैरालिसिस के केस में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंगली पॉइंट्स दबाने पड़ते हैं, समझाने पड़ते हैं किसी ना किसी अटेंडेंट को, और कम से कम 5-6 महीने पॉइंट्स दबाने पड़ते हैं। ठीक है साहब, तो कोशिश करो कि अगर कोई आपके आसपास घर परिवार में कोई ऐसा मरीज है तो जितनी जल्दी आप कॉन्टैक्ट करोगे उतनी जल्दी मैं इस केस को संभाल पाऊँगा। जान के स्क्रीन के ऊपर मैंने अपना नाम एड्रेस सारी जानकारी रखी हुई है, ताकि आपको मेरे बारे में कम से कम ज़्यादा ढूंढने की कोशिश ना करनी पड़े। अब मैं यही बात सब इंग्लिश में कर रहा हूँ। गॉड फॉरबिड्स इफ़ एनीबडी अराउंड यू अराउंड इन और अराउंड योर फैमिली और इन योर नेबर इज सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस, डू कंसल्ट अ डॉक्टर, डू टेक असिस्टेंस ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट, बट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू कंसल्ट मी एज अर्ली एज पॉसिबल। द सूनर आई एम एबल टू मीट अ पेशेंट द बेटर आई कैन डिलीवर द रिजल्ट्स, एज सिंपल एज दैट। देखिए साहब, रिजल्ट्स डिलीवर करना मालिक की मर्जी है, मेरी कोशिश है, पर जितनी जल्दी आप मेरे पास आएंगे उतनी जल्दी मैं केस को संभाल सकता हूँ। ऑल माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सो उम्मीद करता हूँ साहब आज की बात, आज की चर्चा आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद रहेगी। कोई एक भी मरीज़ को फ़ायदा वक्त रहते हो जाता है तो मेरी आज की वीडियो का मकसद पूरा हो जाता है। ठीक है साहब, तो जल्द मिलेंगे किसी और चर्चा के साथ, किसी और बात के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।